हमारा सौभाग्य है कि जो टीम हमें मिली आज के दिन, सभी जैसे हमारे दिनकर कपूर जी जिन्होंने हम लोग को पहला ब्रेक दिया था, और मेरा वो रिक्शा वाला फिल्म थी, उसी फिल्म से हमारी पहचान बनी और उसी पहचान के तहत आज हम आप लोगों के सामने हैं। ये फिल्म दिनकर जी की प्रोडक्शन फिल्म है। आज एक मुहूर्त गाने से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और हमारी प्रियंका जी जो हर फिल्म में इनका गाना होता ही है, जितनी भी फिल्म करते हैं उनमें प्रियंका जी गाना होता ही है, और बहुत अच्छा लगता है बाद में इनकी आवाज़। और हम लोग बस गाने इंजॉय करते हैं। ये फिल्म जैसे दिनकर जी ने हमें ब्रेक दिया था, पहली बार गोलू को ही उन्होंने ब्रेक दिया था। दरअसल गोलू को हम लोगों ने लाया था एक गाने के लिए, मिली तो मिली ना तो जय सियाराम। तो दिनकर जी ने देखा जो गाने के जब गा रहा था वो, तो उसके कॉन्फिडेंस को देख के कहा हमारे पास एक करेक्टर है गोलू नाम का, ये कर लेगा। मैं बोलता था एक्टिंग कभी की नहीं उसने, कैसे कर लेगा। मेरे तुम रहने दो ले क्या। फिर उन्होंने ऑडिशन लिया और वो पहली फिल्म थी। तो बड़ा सौभाग्य है कि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट दिनकर जी ने की पारखी नजर में पहली बार पहचाना उसको, और अब उसे लेके एक सोलो फिल्म बना रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो जरूर देखिए, जैसे पिछली फिल्मों में भी उसकी जो वॉइस स्ट्रक्चर है थोड़ी रोमांटिक ज्यादा है, तो जब हम रोमांटिक गाना बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल गाना बनाते हैं, एक दो गाने, आवाज उसकी डिमांड भी लोग कर रहे हैं, तो जरूर बना रहे हैं, एक गाना बना रहे हैं अच्छा सा। प्रियंका जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। हमारे भोजपुरी सिनेमा के जितने भी जो लोग हैं, जहाँ भी रहते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, उन सबको मेरा यानी प्रियंका सिंह का बहुत बहुत नमस्कार है दिल से। आज हम सभी लोग एक फिल्म की मुहूर्त पे इकट्ठा हुए हैं जिसके म्यूजिक डायरेक्टर राजेश जी हैं और लिरिक्स राइटर यादव राज जी हैं, एंड जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो आई थिंक दिनकर जी हैं। दिनकर जी और अनिल मिश्रा जी हैं। ओके, दिनकर जी एंड अनिल मिश्रा जी हैं। ओके, और अभी फिल्म का जो नाम है वो डिसाइड नहीं है, तो फिलहाल प्रोडक्शन नंबर 1 में हम कह सकते हैं इस फिल्म का नाम। और आज एक बहुत ही प्यारा गाना हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं जो मैं गाने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को जब फिल्म आएगी तो ये गाना बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने को। और फिलहाल जैसे आप लोग मेरे बाकी गानों को प्यार देते हैं, वैसे मेरे इस फिल्म के गाने को भी उससे ज़्यादा प्यार दीजिए, यही कहना चाहूँगी। राजेश जी म्यूजिक डायरेक्टर हो, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, कितने गाने आपको प्यार देते हैं? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आज, मुझे लगता है कि मैंने कभी बोला नहीं है, शायद मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, शायद इसलिए कि जब मैं आई थी मुंबई आफ्टर सुर संग्राम, तो मैं फर्स्ट डे मुंबई में किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गई थी कि आज मैं जाती हूँ स्टूडियो, वहाँ पर मिलती हूँ फिर क्या होता है। तो पहली बार मैं राजेश और रजनीश जी से मिलने गई थी, उस टाइम सब लोग साथ में काम करते थे, अभी भी सब साथ में ही है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं पहली बार ही मिलने गई और फर्स्ट डे ही मुझे सर ने माइक पर खड़ा किया कि आप होली का एक सॉन्ग था मुझे अभी भी याद है, और वो गाना मुझे इन्होंने उस दिन फर्स्ट डे ही गवाया और वो फाइनल भी हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 साल पहले अगर मुझे किसी ने फिल्म के लिए ब्रेक दिया था तो वो राजेश जी थे, राजेश शर्मा जी। तो थैंक यू सो मच। कुछ कहना ठीक है, पहला गाना हमारा सौभाग्य था, लेकिन इसकी आवाज़ हमने पहली बार जब सुनी थी तो एक नई आवाज़ लगी थी हमें, और आज से 3 साल पहले की बात है जी, तो बिल्कुल नई और फ्रेश आवाज़ थी। तो हमने कहा देखते हैं
लेकिन टेस्ट के चक्कर में वो फाइनल हो गया वो गाना है, इतना अच्छा इसने गाया है, इतना अच्छा वो हम लोग उसे सोचा था हम लोगों ने कि ठीक है डमी गवा लेते फिर बड़े सिंगर से गवाएंगे, लेकिन इतना अच्छा गाया था इसने। गाने का बोल क्या था? होली का एक सॉन्ग था और मुझे बोल याद नहीं है क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, काफी टाइम की बात करें जी। लेकिन एक चीज उससे ये हुआ कि हमें एक अच्छी सिंगर मिल गई एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने फिर राजेश सिंह ने फिर मुझे लगातार काफी गाने लोगों ने गवाए और अभी भी गा रही हूँ और आगे भी गाऊंगी। अभी रिसेंटली हम सर की फिल्म आई थी तू ही तो मेरी जान इरादा सेकंड, जिसमें उसमें गाना मैंने रिसेंटली गाया है जो अभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जो यादव राज जी ने ही लिखा है और राजेश जी का म्यूजिक है। तो दो लाइन आप बताइए राज जी अपने गाने के बारे में क्या था प्लीज। मेरी जान इरादा टू का था और जिसे म्यूजिक राजेश जी ने दिया था आवाज प्रियंका जी ने, तो उसका बोल था बेसिकली मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा जरूर सुनाना चाहूँगा। मैं गाना वही सुना देंगे आप सब वही गाने का बोल था लड़के जवानी जैसे जरे आग चली के मेल कथा वो पिया दी पानी लग के गई लेके, ये सॉन्ग था जो गोलू जी और एक नई अदाकार है उनको फिल्म आया गया है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है। लहके जवानी जैसे जरे आग लहके जवानी जैसे जर आग चाय पिया दी पानी लब के घैली के, आव पिया दी पानी लब के घैली के, ये सॉन्ग है और जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक काफी टाइम बाद मैंने सर के लिए यही गाना गाया और आज गाने वाली हूँ। तो यादवराज जी आप बताइए जो गाना आज रिकॉर्ड होने वाला है किस मूड का है? आज जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली काफ़ी अच्छा और रोमांटिक गाना है, काफ़ी प्यारा गाना है, डुएट सॉन्ग है, प्रियंका जी गा रही हैं और राजेश जी म्यूजिक दिए हैं, तो बहुत अच्छा गाना है, एक बार आप लोग जरूर सुने, सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। बस उसी की तैयारी चल रही है, उसी की तैयारी चल रही है अभी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हमें शुरुआत करने वाले हैं। 99% मूवीज मेरे पास है, जितने भी टॉप सुपरस्टार्स हैं उनकी फिल्म मैं करता हूँ और अभी धीरे धीरे मैं बॉलीवुड से अभी हॉलीवुड से भोजपुरी वुड में भी आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे बुलाया और ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेट्स एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर दिस फिल्म, थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे लिए सर, थैंक यू। सबसे पहले तो भोजपुरी देखने वाली सारी जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इतने सालों से वो मुझे देख रहे हैं और मैं एंटरटेन करने में कर पा रहा हूँ एंटरटेन इतने सालों से उनको, और वो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे ऑडियंस को। और ये दिनकर जी की पिक्चर है, दिनकर जी हमारी पहली पिक्चर थी निरहुआ रिक्शा वाला, उनके डायरेक्टर हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि फर्स्ट पिक्चर मेरी जिनके साथ हुई, जिनके साथ मैंने एक्टिंग सीखा, जिनके साथ मैंने समझा कि मैं मेरे अंदर जो मतलब टैलेंट मेरे को पता चला कि जहाँ से निकला वो दिनकर जी थे निकालने वाले और वो दिनकर जी से दिखाने वाले कि मैं कुछ कर सकता हूँ शायद इस फील्ड में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनटाइटल्ड फिल्म है, अभी तक नाम इसका बताया नहीं गया है, बाकी स्टार कास्ट के बारे में आपको बताया गया होगा, किसने स्टोरी लिखी है और बाकी आपके साथ कौन कौन से एक्टर्स होंगे, कुछ फिल्म के बारे में एक्टर्स जितने भी हैं सारे बहुत ही उम्दा कलाकार होने वाले हैं इस पिक्चर में भी, जैसे कि हमारे भोजपुरी में कई सारे अच्छे अभिनेता हैं, सारे सबको लेने का प्रयास तो है और म्यूजिक इस पिक्चर का पापा कर रहे हैं राजेश झा और म्यूजिक नो डाउट शायद अच्छा होने वाला है। मैंने अभी तक सारे गाने सुने नहीं है, फर्स्ट डे है मेरा तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसा आपने बताया गुरु की दिनकर जी के डायरेक्शन में ही आपने करियर की शुरुआत की, तब आप चाइल्ड आर्टिस्ट थे, छोटे थे, अब आप फुल आर्टिस्ट हो गए हो, अब वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस इतने सालों में अगर गोलू ने कुछ सीखा हो, कुछ मैच्योरिटी फील होती हो तो बताएं जरा। सब भूल गया, ऐसा लगता था उस टाइम कि सब आता है, अब लगता है कि कुछ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त डर नहीं था थोड़ा सा भी,
छोटा था मैं और अनकॉन्शियसनेस में इंसान मतलब बहुत कुछ कर जाता है जो कॉन्शियसनेस में नहीं कर पाता है। तो अब तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे समझने की प्रयास चालू है और सीख रहा हूँ धीरे धीरे और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तू ही तो मेरी जान है राधा 2 रिलीज पर है जी। अभी दिलवाले की बात हुई हमारे सामने जी। ये नई फिल्म लगता है कि आने वाला जो साल है 2018 वो गोलू के लिए कम से कम बहुत धमाकेदार होने वाला है। मेरे लिए धमाकेदार होने वाला है या नहीं या जी मुझे तो नहीं पता कि मेरे लिए पिक्चर सारी रिलीज हुई नहीं हुई तो जाने रहा था वो भी रिलीजिंग पे है दिलवाले रिलीजिंग पे है और ये पिक्चर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई आज फर्स्ट डे है तो आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छा हो सब कुछ। वो मैं चाचा निरोगा के बारे में जरा जानना कोशिश कर रहा था जिनके साथ कोई फिल्म करने वाले हैं गोलू। दिनेश अंकल के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रही है मैं मतलब दिनेश अंकल की फर्स्ट फिल्म निरोगा रिक्शा वाला से लेके आज 10 साल हो गए। आज कुछ आर्टिस्ट से भी मिले हम यहाँ पे जो निरोगा रिक्शा वाले में साथ में थे अशोक कोटवानी जी से मिला बहुत ही अच्छा लगा मिलके। और जी दिनेश अंकल के बारे में पूछ रहे थे आप दिनेश अंकल हाँ जी तो क्या पूछ रहे थे मैं ये पूछ रहा था कि आपने उनके साथ फिल्म की थी पहली फिल्म की थी तब आप छोटे से बच्चे थे अब आप बड़े हो गए हो समझदार हो गए हो मैच्योर हो गए हो ज्यादा एक्टिंग वाइज भी करियर वाइज भी और जिंदगी में भी आपने रुआ जब आपसे मिलते हैं तो क्या बात होती है अपने चाचा से मैं मिला नहीं हूं दिनेश चाचा से हमारी मैसेज पे बात होती है वो क्रिकेट खेलते रहते तब कभी कभी टेक्स्ट करते हैं या अभी मुंबई आए थे तो टेक्स्ट किया था उन्होंने। रिलेशन तो सेम है बस थोड़ा सा मतलब इतने सालों में जो गैप के बाद इंसान मिलता है थोड़ा सा ऑकवर्डनेस रहता है लेकिन प्यार कहीं पे कम नहीं रहता वो यादें जो हमने बनाई थी वो अभी भी ताजा है और आई होप आगे फ्यूचर में काम कर पाए साथ में। सवाल वो अधूरा ये था कि निरहुआ के साथ क्या आने वाले वक्त में कोई फिल्म गोलू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं पर आई होप कोई बनाएंगे कोई करेंगे। सर अभी तो मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया गया है और उदय जी का फोन आया था और केड़ी सर इसके डायरेक्टर हैं जो हमारी बातें हुई हैं और फिलहाल तो अभी तक मेहमान हूँ आगे देखते हैं क्या। गोलू इसमें हीरो है एक छोटा बच्चा जिसने अब बतौर बाल कलाकार अपना करियर शुरू किया आज वो बतौर हीरो आ रहा है फिल्मों में उसके करियर को कैसे देखते हैं आप। देखिए गोलू के साथ मैंने काम किया है और ये बच्चा काफी होनहार है और इसमें एक ललक है काम करने की जो होती है सीखने की भी होती है कि भाई हमारे सीनियर हैं ये ऐसा नहीं है कि वो छोटा आर्टिस्ट हो कोई भी छोटा आर्टिस्ट हो ये लड़का है मैं एक गुण मैंने देखा है इसके साथ काम करने के बाद कि सीखने का काफी हुनर है इसमें और मेरे हिसाब से काफी आगे जाएगा। राम जी क्या कहना चाहेंगे आज के मूवी की जो शुरुआत हुई है। देखिए हर आर्टिस्ट चाहता है कि हमारी मूवी हमारी पिक्चर अच्छी बने और हमारे प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आते रहें और उनकी पिक्चरें चले क्योंकि पिक्चर चलेंगी तभी इंडस्ट्री है तभी हम सब हैं क्योंकि एक प्रोड्यूसर आता है तो पूरी इंडस्ट्री होती है। केडी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए केडी जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और उनके बारे में अगर कुछ भी बोलूं तो बहुत कम है और उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है। निरहुआ जैसे आर्टिस्ट को आपने पहचान दे दी इंडस्ट्री में गोलू एक नया लड़का जिसने आपके तहत ही अपने करियर की शुरुआत की आज वो उसे फुल फ्लैश आर्टिस्ट आप ले रहे हो फिल्मों में क्या बताना चाहोगे क्या खास है इस फिल्म में और इस हीरो में जिसके लिए आपने उसे कास्ट किया। देखो हीरो में खास तो बहुत कुछ है इसके लिए हीरो के लिए उसको लिया गया है और मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे निरहुआ रिक्शा वाला में और बचपन से मैं देख रहा था काफी उसके अंदर एक जोश था एक्टिंग का उसी वक्त पता चल गया था मुझे जब अभी मैं पिक्चर बनाने जा रहा था बड़े बड़े लोगों से मिला लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ना उनके पास टाइम है 8 घंटे के बाद डेटे है तो मैंने बोला इतना वेट करना ठीक नहीं हो मेरे को। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला भैया जल्दी स्टार्ट करना है बोला जल्दी के लिए तो फिर आपको जल्दी का एक लड़का जो जवान हुआ उसको ले लेते हैं और हम पहुंच गए उसके पास गोलू के पास फिर गोलू से बातचीत की सब्जेक्ट लव स्टोरी है जो उसकी उम्र के हिसाब से करना भी चाहिए लव स्टोरी पिक्चर है। अनटाइटल्ड फिल्म है सर नाम आप लोगों ने अब तक तय नहीं किया अगर कोई खास वजह इसके पीछे या कहानी के हिसाब से आपको टाइटल फिलहाल शायद जहन में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं टाइटल जहन में आए हुए हैं लेकिन चीज क्या है कि टाइटल अभी तक हमको अप्रूवल नहीं मिला है इसके हमने लिए टाइटल डाला नहीं है टाइटल ऑलरेडी हम लोग के जहन में है ऑलरेडी चल रहा है लेकिन जब तक अप्रूवल प्रोड्यूसर से ना मिल जाए सॉरी एसोसिएशन से ना मिल जाए
तब तक डालना ठीक नहीं रहता। तो कौन एक्ट्रेस बस यही बस बड़े ही जोरदार से उसकी ढूंढा ढांडी चल रही है। बहुत फिलहाल आपको विद इन अ वीक आपको अनाउंस कर देंगे कौन है। प्रोड्यूसर से आप जानना चाहते हैं कि भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बनती है सर, जैसा कि सर ने बताया बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में फिल्में बनाई, कैसे ये कारवा शुरू हुआ, मतलब एक फिल्म बनाई जाए और उसमें केवी साहब हो, बोलू हो, ये कैसे पूरा एक सपना असल में कैसे साकार हो रहा है? जी सर, हम बनारस से बिलोंग करते हैं और दादा से मुलाकात हमारी 10 साल पहले की है और काफी अच्छे से मतलब राम लक्ष्मण की तरह से जोड़ी हम लोग की है। तो दादा ने हमारे पास कुछ बात कही थी कि ऐसे ऐसी बातें हैं, हमने कहा ठीक है दादा एक बार बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी कहानी, हमने कहा ठीक है दादा स्वच्छ फिल्म है और लव स्टोरी है तो इसमें हम आपके साथ में हैं। और गोलू ऑलरेडी 10 साल पहले मैं उसको जानता था, 10 साल पहले से, क्योंकि निरवा रिक्शा वाले में ये इन्होंने एक छोटा किरदार निभाया तो इसलिए जब से ट्यूनिंग अच्छी थी। क्या किरदार था उसमें? एक छोटा सही करेक्टर था। अभी मत पूछिए इस फिल्म में भी आप नजर आएंगे फिर? जी थोड़ा सा ही है, जरूर देंगे लेकिन आएंगे जरूर। तो बड़ा क्यों नहीं, अल्लाह का कीड़ा तो जाएगा नहीं ना, जाएगा नहीं तो थोड़ा ही क्यों करेंगे, बड़ा क्यों करेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे अभी आप थोड़ा सा उम्र करना चाहिए, थोड़ा ही करने तो गोलू को करने दो। हाँ सारी चीजें गोलू को भी करने दीजिए, हम भी लोग कर लेंगे फिर, हीरो क्या करेगा। जी बहुत साल पहले जब निरोवा रिक्शा वाला आई थी, जब गोलू छोटा बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया है, इतने सालों में आपने उसको देखा होगा, आखिर आपने अचानक तो उठते फिल्म में लिया नहीं होगा, कोई बदलाव आप देखते हैं लड़के में? बदलाव मैं तो पहली ने पहचाना ही नहीं उसको, जब उसके पिताजी लेकर आए उसको मैंने बोला यार कहाँ एक छोटा सा गोल मटोल सा बच्चा एकदम स्मार्ट बन के घूम रहा है, मैं पहचान नहीं पाया। फिर जब उसके पिताजी ने, क्योंकि इनके पिताजी को ही हमने ब्रेक किया था, राजेश रजनीश जोड़ी थी इनकी म्यूजिक की, हमारे निरवर रिक्शा वाले से ही दोनों को ब्रेक किया था। और गोलू उस समय मेरी पिक्चर का धैले बर मोजर बने कोरा वो गाना गाने आया था, और गाना गाने आया था, गाना गाने के वक्त मैंने बोला यार इसमें तो बहुत जर्म दिख रहा है, तो मेरा जो रोल है एक बचपन का बच्चे का इसको क्यों नहीं करा लेते हो? बोला मुझे नहीं मालूम एक एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं वो, तुम मैंने बोला मेरे पे छोड़ दे। इसी तरह अभी उन्होंने वापस मेरे पे छोड़ दिया है, आप ही करा लेना जो अच्छा कराना है। सर फिल्म कब से शुरू होगी, शूट पर कब से जाएगी? 20 जनवरी से हमारी पिक्चर शुरू हो रही है, झारखंड में हम जाके शूट करेंगे। केडी जी को मैं शुभकामना दूंगा क्योंकि केडी जी मेरे साथ बहुत पुराने, मैंने पंजाबी पिक्चर की उनके साथ 3-4 और पिक्चर की, भोजपुरी पिक्चर की, एज ए गुड डायरेक्टर है वो, बहुत अच्छे टेक्नीशियन है। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया आज आप आइए, मैं डेफिनेट आता हूँ, आपको शुभकामना दे, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है केडी जी को। पप्पू जी निरोवा रिक्शा वाला जो फिल्म थी कोरियोग्राफ किया था आपने उसे, जिसमें गोलू बच्चा था, अब गोलू हीरो है और उसे लेकर फिल्म बनाई जा रही है, बड़े हिट गाने भी हुए थे उस जमाने में निरोवा रिक्शा वाले के, कुछ खास स्टेप जो आपने उसमें ट्राई किए हो या नए ईजाद किए हो? अभी न्यू कमर आने चाहिए सर, गोलू एक छोटा बच्चा आया था, आज उसकी हाइट पर्सनैलिटी, आज नए लड़के चाहिए, जैसे राजकुमार संतोषी का लड़का आया है, उनका राजकुमार पांडे का उनका लड़का आया अभी चिंटू, अभी गोलू, ऐसे नए लड़के आएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे। नहीं तो वही हम लोग करते करते दिनेश जी को भी करवाया, निरवा को, पवन को, केसारी को, आज तक हम लोग करवाए थे सबको, रवि किशन को, आज नए लड़के चाहिए, काफी नए टैलेंट आ रहे भोजपुरी में और आएंगे, आगे भी आएंगे। इनके शरीर में क्या हो रिदम नजर आती है आपको? हाँ डेफिनेट डेफिनेट, नए लड़कों में आजकल ज्यादा रिदम है और इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, डांस करते हैं, और आजकल न्यू स्टाइल आ गया है, लेटेस्ट स्टाइल में करते हैं अभी वो, अभी भोजपुरी में तो हम लोगों चाहिए भोजपुरी कल्चर के, तो हम वो कल्चर को पकड़ के चलते हैं, उधर हम हिंदी का करेंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, भोजपुरी वाले कोई देखते नहीं, उनको अपने कल्चर में डांस चाहिए, वो हिसाब से हम लोग उनके कल्चर के हिसाब से जितने भी आइटम सॉन्ग है, हीरो हीरोइन के गाने हैं, तो उनके कल्चर के हिसाब से हम लोग कंपोज करते हैं। सनी देओल से लेकर गोविंदा तक और निरहुआ से लेकर केसारी तक सारे आर्टिस्ट आपके इशारों पे नाचे हुए हैं, अब नए वक्त में कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसा सितारा जो आपको लगता हो कि भाई ये सबसे अच्छा डांसर है मेरा, तो नाम अगर तो कुछ लगातार? देखो अभी तो एक का तो नहीं नाम ले सकता हूँ, अभी गोलू भी अच्छा डांसर है और चिंटू भी बहुत अच्छा कमाल का डांसर है, तो मतलब ये लड़के अभी आ रहे हैं, कोई नए लड़के, अभी मैं इसको कमलासन को डांस करवाया, देखा प्यार तुम्हारा, फिर उसके बाद ऋषि कपूर को करवाया,
कितनी पिक्चर दवाए ये सब कितनी कितने सालों से मेरे को आज हो गए 45 ईयर्स हो गया जो कोरियोग्राफर हिंदी सनी बॉबी धर्म जी सबको डांस करवाया आज मेरे को मौका है भोजपुरी में भी कर रहा हूँ बंगाली पिक्चर भी हर लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ पंजाबी बहुत किए मैंने कंटिन्यूस मेरा यही चल रहा है हम लोग अभी लैंग्वेज पिक्चर में आ गए पंजाबी मराठी अभी प्रियंका चोपड़ा की मराठी किया कायरे राजकला वो लग गई उसमें पूरा मराठी स्टाइल पहले मराठी के बहुत मैंने पिक्चर किए थे दादा कोटे की मेरी पिक्चर हिट थी पानी वो कोरियोग्राफ मेरा था इतने साल से हम लोग करते आ रहे कितने आते कितने जाते ये साइकिलिंग है ये चलते ही रहेगा हमेशा ऊपर वाला हमारा साथ है आप लोग का प्यार है इसलिए हम लोग चलते हैं।